देखिए फिर से स्लो डाउन करना पड़ा, डाइवर्शन है, टैंकर टर्न लेगा और यहाँ पे लेफ्ट में एक रिक्शा चल रहा है, तो स्लो डाउन करते हुए हम अपनी कार को आगे बढ़ा रहे हैं। लेफ्ट का राइट का जजमेंट आप देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मैंने एक्सप्लेन किया है, मिडिल पार्ट से जो डैशबोर्ड का मिडिल पार्ट है जहाँ बॉटल रखी है अभी थोड़ी सी उधर चली गई है, उसको मिडिल में कर देते हैं। ये देखिए मिडिल पार्ट से इससे मैं मैच कर रहा हूँ आगे कोई भी चीज़, और मेरे वाइपर के एंड से मैच कर रहा हूँ जो भी, तो मेरा राइट और लेफ्ट व्हील्स एग्जैक्टली उसी लोकेशन से क्लियरली विजिबल होगा और मेरी कार निकल जाएगी। और मैं आपको सिंपल सी एक टेक्निक बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आप ये दोनों के बीच में किसी भी चीज़ को आगे मिलता है, आपको कोई भी चीज़ आपके आगे आ जाती है, ये दोनों चीज़ जो मैं बता रहा हूँ आपको, लेफ्ट का ये बॉटल और राइट साइड में आपका राइट का रियर व्यू मिरर जो सॉरी राइट का वाइपर जो एंड हो रहा है, उस इन दोनों के बीच में जो कुछ भी आएगा आपके कार के आगे, अगर आप ये देखिए ये मैं चला रहा हूँ, इसके बाहर की तरफ कुछ भी जाएगा दोनों साइड में, राइट साइड में चाहे लेफ्ट साइड में, इन दोनों जो स्ट्रेट रोड मैंने आम स्ट्रेट किया है, इन दोनों के बाहर की तरफ कुछ भी जाएगा तो वो सेफ है, लेकिन अगर इसके बीच में अगर कुछ आता है तो आप ये सतर्क रहें, अलर्ट रहें कि आपकी कार में हिट हो सकता है, वो पर्टिकुलर चीज़ वो जो आगे आपके है वो हिट हो सकती है, क्योंकि वो आपके जो मिडिल पार्ट में है या कार के सामने में है, लेफ्ट से थोड़ा सा इधर होगा तो लेफ्ट से हिट होगा और वाइपर के एंड के थोड़ा सा इधर होगा तो राइट साइड से हिट होगा, और अगर बीचों बीच होगा तो ऑब्वियस है आपकी कार सामने से ही हिट होगी। तो बेसिक यही है कि आपने अगर लेफ्ट और राइट का जजमेंट लेना है तो ये चीज को समझ लें कि ये जो चीज है आगे आपकी राइट राइट का और लेफ्ट का, इसके बीच में अगर कुछ भी आता है, ये दो आर्म्स आप देख रहे हैं मेरे, आर्म्स की स्ट्रेट किया मैंने, पाम स्ट्रेट किया हुआ है, इन दोनों के बीच में अगर कुछ आता है तो आप समझ लीजिए कि आपकी कार हिट हो जाएगी। इनसे बाहर अगर कोई भी चीज रहती है तो आपने आराम से जजमेंट कर सकते हैं, और अगर ये चीज थोड़ी सी भी इससे इधर आती है आपके, तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा स्टेयरिंग को राइट कर देना है ताकि इस पर्टिकुलर मिडिल पार्ट में जो बॉटल जैसा चीज है उससे आप मैच कर सकें आगे वाली कोई भी ऑब्जेक्ट को जिससे आप जजमेंट लेना चाहते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे इतनी सी जगह है, मैं आराम से अपनी कार को मूव कर रहा हूँ, तो इतनी सी जगह, ऐसा नहीं है कि हमें इतनी सी जगह चाहिए होगी, या हमारी कार इतनी सी स्पीड में अगर होंगे तो अकॉर्डिंगली हमें मूवमेंट देखना पड़ेगा कि कितनी स्पीड है, स्पीड के अकॉर्डिंग हमें ध्यान रखना होगा कि कितने स्पीड से हमें लेफ्ट और राइट का जजमेंट लेना है। अगर हम ज़्यादा स्पीड ले लेते हैं तो हमें जजमेंट भी ध्यान रखते हुए अपनी कार को आगे बढ़ाना होगा। यहाँ से सिग्नल था, लेफ्ट सिग्नल ग्रीन मिल गया है मेरे को, मैं अभी आगे बढ़ा रहा हूँ अपनी कार को, और यहाँ पे भी आपको लेफ्ट और राइट का जजमेंट दिखाऊंगा। फ्रेंड्स इतनी सी स्पेस है, ये देखिए मेरे पास लेफ्ट में जगह नहीं है, रोड एक्चुअली बीच में तोड़ी गई है राइट लेफ्ट साइड में, आप मेरा जजमेंट देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो बॉटल मैंने रखी है इसके अकॉर्डिंग ही आप जजमेंट मेरा देखिए, देख के अपने समझ पाएंगे कि किस तरह से मैं जजमेंट कर रहा हूँ। लेफ्ट का जजमेंट इसी हिसाब से मैं करूंगा, आप बॉटल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको कि लेफ्ट क्लियर है कि नहीं उसके अकॉर्डिंग। अभी मैं यहाँ इस लेन में ढाल रहा हूँ, ये लेन में देखिए कार आ रही है सामने से, स्पेस बिल्कुल भी कम है मेरे पास। ये देखिए लेफ्ट का जजमेंट कैसे मैंने उधर से ऑटो से किस तरह से मैंने जजमेंट लिया, वो ऐसे ही लिया है फ्रेंड जैसा आपको मैंने बताया, डैशबोर्ड के मिडिल में ये जो बॉटल है इसको आगे से मैं मैच किए जा रहा हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है उसके साथ मैं मैच किए जा रहा हूँ। आगे देखिए अभी साइकिल है और वो चल रहा है, साइकिल राइट साइड के चली गई है, तो मैं लेफ्ट का जजमेंट कैसे कर रहा हूँ, अभी आप देखिए लेफ्ट का जजमेंट, ये अभी मेरा क्लियर नहीं है लेफ्ट का जजमेंट, क्योंकि मेरे को राइट में भी ध्यान देना था, लेफ्ट में एग्जैक्टली वो मेरे सामने में था, तो इसलिए स्पीड को क्या है वो मैंने को स्लो डाउन करनी पड़ी कार को। फिर जैसे ही स्पेस क्रिएट हुई फिर मैं अपनी कार को आगे बढ़ाया, ये देखिए साइकिल मेरे आगे है, अभी देखिए एकदम मैच कर लिया है मैंने उससे, और थोड़ा सा राइट जाते ही मेरी कार आराम से निकल गई है। तो लेफ्ट का जजमेंट अकॉर्डिंगली जैसे मैंने आपको बताया फ्रेंड्स इसी तरह से करते हैं। अभी रोड के एंड को मैं मैच करते जाऊंगा, टर्निंग में भी अगर आप नोटिस करिए मैं स्टीयरिंग उसी हिसाब से ही टर्न करूंगा ताकि मेरा ये जो बॉटल बीच में रखी हुई है वो मैच होती जाए, ये जो आगे में लेफ्ट का रोड है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये देखिए आगे स्टोन पड़ा था उसको भी मैंने मैच कर लिया दूर से ताकि मेरी कार निकल जाए, लेकिन सामने राइट साइड में बाइक थी तो मेरे को स्लो करना पड़ा, लेकिन लेफ्ट का जजमेंट मैंने क्लियर रखा था। ये देखिए अभी भी मैं क्लियर रखा हूँ, मेरी कार आराम से उस एंड पार्ट से निकली है क्योंकि मैंने एग्जैक्ट मैच किया है, ये जो मिडिल पार्ट है एग्जैक्टली उससे मैच किया है ताकि मेरी जो लेफ्ट व्हील है उसी लोकेशन पे पहुंचे। अभी देखिए जहां जहां टर्निंग आ रही है
रोड की एंड को या रोड के जो बॉर्डर है उससे मैं मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही टर्निंग है ये देखिए, मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही मैच होगा स्टेयरिंग को मैं अकॉर्डिंगली टर्न करके स्ट्रेट की तरफ कर लूंगा, या ऑपोजिट डायरेक्शन होगा तो ऑपोजिट की तरफ कर लूंगा। ये देखिए आगे से जो टेम्पो आया इसका भी जजमेंट मैंने वैसे ही लिया। जो राइट साइड में वाइपर का एंड है ये देखिए, ये कनेक्ट, ये प्रॉपर सही तरीके से लेफ्ट और राइट का जजमेंट है। यहाँ पे ये देखिए कार टर्न हुई, तो इसी जगह में आप देखिए लेफ्ट और राइट का जजमेंट मैं किस तरह से करते हुए कार को स्टॉप नहीं कर रहा हूँ, आराम से अपनी कार को स्लो कर रहा हूँ लेकिन स्टॉप नहीं कर रहा हूँ। स्लो भी इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आगे स्पीड ब्रेकर भी है और आगे जो ट्रैफिक टर्निंग आ रही है तो उसमें दोनों का जजमेंट लेते हुए मेरे को कार को निकालना है। तो मैं स्लो नहीं, मतलब स्लो कर रहा हूँ, कम्प्लीटली स्टॉप नहीं कर रहा हूँ। वेयरएज न्यू ड्राइवर्स होते हैं तो इसमें लेफ्ट और राइट के जजमेंट में कन्फ्यूजन हो जाती है कि हमारी कार निकलेगी या नहीं निकलेगी, उसको समझने में टाइम लग जाता है। अभी देखिए यहाँ से लेफ्ट और राइट दोनों का जजमेंट लेते हुए मैं कार निकाल रहा हूँ। ये जजमेंट सिर्फ और सिर्फ यही टेक्निक से कर रहा हूँ। अब जो है मेरे को हैबिट हो गई है कि मेरे जजमेंट, मेरे को मतलब ये बॉटल्स देखने की जरूरत नहीं है या मिडिल पार्ट देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, मेरी कार आराम से मैं निकाल लूंगा क्योंकि मेरे को अब हैबिट हो गई है। या मैं अलर्ट जो कह सकते हैं कि आप एक्सपर्ट हो चुके हैं किसी भी चीज़ में और स्टेयरिंग का कंट्रोल हमें समझ में आने लग गया है अब अच्छे से, तो इसलिए हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है लेफ्ट और राइट के जजमेंट में कुछ भी टैगिंग करने की। तो आपको सिर्फ ये चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, अगर आप इसको स्किल में अपने डालते हैं 1 मंथ या 2 मंथ्स बाद, 2 महीने बाद ही आपका क्या होगा कि इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे लेफ्ट और राइट को कैसे जज करना है या कैसे अपनी कार को निकालना है इतनी सी स्पेस में। देखिए आप, तो अभी भी देखिए इतनी सी स्पेस है, मैं अपनी कार को आराम से निकाल रहा हूँ। लेफ्ट में साइकिल है, राइट में कार आ रही है और मैंने जो कार लेफ्ट से निकाली है वो जो खड़े थे एकदम उनके पास से मेरी कार निकली है। फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।